बाजी, आप बिना पापा को कितना परेशान करती हो। अरे जीजा जी को परेशान करना तो मेरा हक बनता है, और स्मिता दीदी की शादी में क्या हुआ था ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। प्लीज बताओ ना फातिमा मासी, क्या किया था। अरे बताती हूँ, कितना चिल्लाते हो नौटी बच्चे। जब तुम्हारे पापा की शादी हुई थी ना, तो बारात में से घोड़ी पे सज धज के आ रहे थे, टुक 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 करके। मैंने चुटकी मार के घोड़ी गायब कर दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, पापा ऐसे करके लगाम लेके बैठे रहे, और जब उनको पता चला कि उनके नीचे घोड़ी नहीं है, धड़ाम करके गिर गए। मासी, मैं घोड़ा नहीं हूँ, मैं बल्लू। ओह, मैं तो भूल गई। और फिर महेश जो भागा था घोड़े के पीछे। अरे नहीं, तुम्हारी भारती मासी के पीछे। क्या बच्चों, किस पर हंस रहे हो? आप पे। मतलब भारती मासी, आप क्यों पुराने किस्से सुना रही थी? वो शादी के समय घोड़े वाला किस्सा। हाँ। क्या? भारती वो घोड़ी वाला किस्सा तुमने बच्चों को बता दिया? माँ, स्मिता, तुम लोग भी इसके साथ हो। खबरदार भारती, खबरदार अगर वो रस्सी वाला किस्सा बच्चों को सुनाए तो। हाँ हाँ, हेलो भारती मासी, वो रस्सी वाला कौन सा किस्सा है? देख भारती, कुछ मत करना, तेरे जीजाजी नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं मासी, बताओ ना, प्लीज। अरे सुराना का बेटा, दिखाई देती हूँ। स्टोर रूम से रस्सी लेकर आ, ठीक अपने डैडी के पीछे रख दे जहाँ वो खड़े हैं। अरे दीदी कुछ नहीं होगा, चुप रहो ना तू। चलो चलो चलो। ये बिन की आवाज तो कहीं सुनी सुनाई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पीठ पीछे कुछ तो चल रहा है। कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, कुछ नहीं। कोई जादू नहीं हो रहा है ना? क्या जीजा जी, अब काम कीजिए ना अपना। हाँ आंटी मौसी, मैंने पहले ही कहा था, कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है मेरे पीठ पीछे, कुछ साजिश चल रही है। स्मिता, ये भारती, प्लीज प्लीज ये जादू मत करो। भारती प्लीज, ये जादू। स्मिता भारती, खोल देना उन्हें प्लीज। अरे क्या दीदी, कितना घबराती हो, रस्सी है, कुछ नहीं होगा। स्मिता स्मिता, भारती भारती नहीं, भारती प्लीज नहीं, नहीं नहीं, प्लीज मुझे नीचे उतारो। ये जादू मत कर, मैंने पहले ही बोला था। भारती भारती मुझे नीचे उतारो, भारती प्लीज मुझे नीचे उतारो, भारती भारती प्लीज। देख भारती मुझे नीचे उतार, नहीं तो खैर नहीं। हाँ अच्छा, मेरी खैर नहीं तो फिर लटके रहो ऊपर। खैर है, बहुत ज्यादा खैर है भारती, मुझे नीचे उतारेगी, प्लीज नीचे उतारो प्लीज। हाँ भारती, महेश को नीचे उतार, वो गिर जाएगा। ये भारती का जादू है, कुछ भी नहीं होगा। अगर होगा भी और गिरे भी ना, तो पूरी की पूरी हड्डियां टूटेंगी, एक भी नहीं बचेगी।
क्या? ये महेश बेटा, ये हड्डी पसली एक करने की बात कर रही है बेटा। भारती बस बहुत हुआ, महेश को नीचे उतार। मन तो नहीं कर रहा जी जानी, कितने स्मार्ट लग रहे हो ऊपर से आप। यार मुझे स्मार्ट नहीं लग रहा है, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे चलेगा, मुझे नीचे उतारो बस। खबरदार खबरदार, अगर इस घर में वापस जादू किया तो मुझे कोई जादू मजू नहीं चाहिए इस घर में। हाँ रस्ती जल गई लेकिन बल नहीं गया। जीजा जी भूलिए मत, रस्ती के जादू के बाद मैंने आप पर एक और जादू किया था, झाड़ू वाला, वो अभी बाकी है। नहीं वो नहीं, वो नहीं, मेहरबानी करके वो नहीं, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। नाराज नाराज परी, आप दोनों का साहस कैसे हुआ हमारे आदेश को ना मानने का? और आप तो जानती है ना, रानी परी का आदेश ना मानना परीलोक में सबसे बड़ा गुनाह है। हमने आप दोनों को मना किया था ना कि भयंकर परी के दंड के पास ना जाएं, आप दोनों फिर भी वहां गईं। रानी परी, हमारा उस दंड की ओर जाने का इरादा नेक था, हम सिर्फ परीलोक की सुरक्षा के लिए चिंतित थे रानी परी, बस। परीलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी रानी पर है, आप दोनों पर नहीं। और नाराज तराज, भयंकर परी का दंड चुराकर परीलोक की किस प्रकार की सुरक्षा करना चाह रहे थे आप? हाँ, क्योंकि अगर वो दंड शस्त्रागार से बाहर आ जाता तो भयंकर परी उसे अपनी ओर खींच भी सकती थी। वैसे देखा जाए तो आप परीलोक की नहीं भयंकर परी की मदद कर रही थी। नहीं नहीं रानी परी, हम तो भयंकर परी की मदद करने की सोच भी नहीं सकते। तो फिर आप सच सच बताइए नाराज तरस परी, भयंकर परी का दंड आप क्यों हासिल करना चाहती थी? हाँ हाँ कहिए नाराज तरस परी, आपकी चुप्पी इस बात का संकेत है कि आप सच नहीं बोल रहे। अगर आप दोनों ने सच कहा तो हम आपकी सजा कम कर देंगे, लेकिन अगर आप दोनों का एक भी शब्द झूठा निकला तो आप दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नहीं नहीं रानी परी, हमें सजा मत दीजिए, हम आपको सब कुछ सच सच बताते। हम भयंकर परी का जादुई धन हासिल करने के छुप छुप कर मायावी पर्वत गए थे, और हम वो जादुई धन अपने लिए हासिल नहीं करना चाहते। बल्कि उस दंड को हासिल करके हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहते हैं। नष्ट करना चाहते थे? हाँ रानी परी, क्योंकि जब तक भयंकर परी का वो जादुई दंड इस परीलोक में रहेगा तब तक भयंकर परी का परीलोक पर आक्रमण करने का खतरा मंडराता रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं भयंकर परी अपना जादुई दंड पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी रानी परी। कारण जो भी हो, हमारे आदेश के बिना शस्त्रागार से दंड चुराने की सजा आप दोनों को जरूर मिलेगी। नहीं नहीं रानी परी, हमें सजा मत दीजिए रानी परी। लेकिन रानी परी, हम दोनों तो परीलोक के हित के बारे में ही सोच रहे थे। नहीं, हर लोक के कुछ नियम होते हैं और परीलोक में चोरी करना एक बहुत बड़ा अपराध है, इसीलिए नाराज तराज परी, हमारे आदेश को ना मानने और चोरी करने की आप दोनों को कठोर सजा मिलेगी। नहीं रानी परी, नहीं रानी, हमें सजा मत दीजिए रानी परी। नहीं रानी परी, संदूक में जाकर दूसरे संदूक से कैसे निकलते हैं। चलो मैं
मासी हमें भी सिखाओ ना। हाँ मासी मैं बताऊँ? ठीक है तुम ही बता दो। बहुत सिंपल है। मैं जिस बॉक्स के अंदर गई थी उसके नीचे एक छोटी सी सुरंग है जो इस बॉक्स से कनेक्टेड है। मैं बस चल के आ गई और तुम लोग को लगा जादू हुआ। अब इस कुंड में झांकते ही रहोगे या बताओगे भी कि नारा सराज कहाँ है? कर रहा हूँ मैं भी कोशिश तब से उन्हें नाराज तराज नाम की दो चुड़ैलों को ढूंढने की, लेकिन पता नहीं बार बार क्यों दिखाई दे रहे हैं ये दो पक्षी मुझे। लगता है ये कुंड भी तुम्हारी शक्ल देख के डर गया है इसीलिए काम नहीं कर रहा है। तेरी वजह से आज सुनना पड़ रहा ये सब कुछ है। हाँ, साधु कुंड दिखा दिखा मुझे है कहाँ नाराज तराज परी। दिखा मारू 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 हो गया तुम भी देखा और न समझ बिल्कुल परी भाई। कौन है? तुम्हें सिर्फ एक ही काम ठीक से आता था इस जादुई कुंड को संचालित करने का और वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे तुम। आप तोड़िए मत अपने गुस्से का पहाड़ मुझ नाजुक सी प्यारी सी छोटी सी चीज पे। और किया क्यों आपने यकीन उन नतारा नाराज ताराज परी पे अपना जादुई दंड पाने के लिए? अरे था आपका चहीता प्रधान आपके साथ ही। यकीन तो मैंने तुम पर भी किया था तौबा तौबा, मगर तुम भी तो बेकार निकले। आप बेकार कहने से नहीं मिलेगा आपको आपका जादुई दंड। हाँ मिलेगा आज ही मिलेगा। मगर कैसे? भूल गए आज बच्चे एक जादू के कार्यक्रम में जाने वाले हैं और उसी कार्यक्रम के बीचों बीच मैं उनकी प्यारी जादूगरनी भारती मासी का अपहरण करूंगी। उठा पाओगी आप भारती मासी को? कभी देखा है उसे? उल्टा सीख लो दो चार उनसे जादुई पैतरे आएंगे काम आपके। और उसके बाद भारती को आजाद करने के लिए मैं परियों से मांगूंगी अपना जादुई दंड। देखिए अगला जादू। ये फ्रेम कितना खूबसूरत लग रहा है। आहा, इसमें वाइट कबूतर। तो जादू देखना चाहते हैं आप कि क्या होने वाला है? वन टू। यही सही वक्त है रानी परी से मिलने जाने के लिए। सब घर वाले भारती मासी का शो देखने में व्यस्त है। पेंटिंग में से निकला था ये कबूतर, लेकिन ये कबूतर मुझे बाकी के जादू में डिस्टर्ब करेगा इसीलिए इसको बैग में रख देते हैं। ये कर दिया इसको बंद। वाह हे किया क्या कमाल का जादू इसने। वाह आ गया मजा। पहली बार जादू देख रहे हो? क्या परी भयंकर आप भी आए नहीं हम यहाँ पे कोई जादू सीखने, आए हम यहाँ पे इस जादूगरनी का अपहरण करने। बस बच्चों और बड़ों अब बारी है जादू ऑफ द डे की, यानी कि मेरे सबसे अनोखे जादू की। ये आप संदूक देख रहे हैं दो, इसमें मैं जाऊंगी और उसमें से निकलूंगी। गलत।
तुम उस संदूक में जाओगी जरूर, मगर वापस यहाँ नहीं निकलो, बल्कि भयानक लोक में निकलो। भयंकर परी यहाँ क्यों आए? कहीं ना अभी भी तो संदेह नहीं कि बल्लू ही बालवीर है। ये तो बालवीर की महक है, इसका मतलब वो यहीं गए हैं। जरूर वो यहीं गए हैं। तो फिर चलते यहाँ से, वरना वो बजा देगा आपका भी बाजा। चलिए चलो। भयंकर परी और तौबा तौबा कहीं मेरी सच्चाई जानने के लिए बच्चों को कोई हानि तो नहीं पहुंचाने वाले? अरे ये दोनों कहाँ गए? तो तैयार है जादू देखने के लिए? हाँ! अब जब देख नहीं सकता हमें कोई यहाँ, तो क्यों बन गए हम दोनों छोटे? चुप रहता। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। हाँ। मैं नहीं चाहती वो बालवीर हमें यहाँ देख ले, वरना मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तो आप सब इस संदूक को देख रहे हैं? ये एकदम खाली है, इसमें मैं जाऊंगी और उस संदूक से बाहर निकलूंगी। तो तैयार है? तुम्हारी बहन भारती वापस लल्ली बन गई। महेश लेकिन अब करेंगे क्या? अब क्या जूते पड़े? तुम बाजू भी खेलोगे मेरे साथ? खेलोगे? चलो मैं छुपू। किधर छुप? अरे संदूक तो पहले से खुला है, मैं इसमें छुप जाती हूँ। मासी हमें सिखाएंगी मैजिक ट्रिक नंबर 5। हेलो बच्चों, आज भारती मासी आपको कौन सा जादू सिखाने वाली है ये मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जादू तो आपको जरूर सिखाऊंगी, वो भी रबर का। ये देखिए, ये क्या है? रबर। इसको मैंने अपनी दो उंगलियों में फंसाया, अब देखिए ये ऐसे इधर कैसे आया? जानना चाहते हैं तो देखिए, पहले अपनी दो उंगलियों में रबर फंसाएं इस तरह, और जब उंगलियां बंद करते हैं तब नीचे की तरफ कीजिए और चारों पे रबर चढ़ा दें और हाथ खोलें तो इधर आ जाएगा। कैसा लगा जादू? अच्छा है ना?